हेलो गाइस, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से आप अपनी onlineversity.com वेबसाइट पे अपना स्टूडेंट आईडी लॉगिन कर सकते हैं और उसके अंदर पढ़ी हुई बुक्स और वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट स्टेप हमारा रहेगा कि हम अपनी onlineversity की वेबसाइट पे जाएँ, जो कि है www.onlineversity.com। वहाँ पर जाते ही आपको राइट हैंड साइड कॉर्नर पर लॉगिन दिखेगा। आप जैसे ही उस लॉगिन पे क्लिक करेंगे, एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा कुछ इस तरह से, और वहाँ पे आपको आपका यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है। और आपका यूज़र नेम और पासवर्ड सेम ही होता है, तो यूज़र नेम जो आप अपना यूज़र नेम यूज़ कर रहे हो वही आपने अपने पासवर्ड में डाल दो और लॉगिन पे क्लिक करिए। और लॉगिन पे क्लिक करते ही एक इस तरह का पेज खुलेगा, जिसको आप नीचे स्क्रोल डाउन करेंगे तो वहाँ पे आपको आई एग्री करके एक चेक बॉक्स होगा, उसको चेक करके ओके करना है यहाँ पे। अब ये आपको एक नया डायलॉग बॉक्स पे ले जाएगा, जो कि वेरीफाई योर डेटा। वहाँ पे आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, आपका रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस और आपका डेट ऑफ बर्थ और निक नेम और एक फाइनल जिप कोड डालना है। और फाइनली आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। इतना एंटर करते ही आप जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, आपके ईमेल एड्रेस और आपके मोबाइल नंबर पे आपको एक वेरिफिकेशन कोड मिलेगा, जिसको कि आपको वहाँ पे एंटर करना है और फाइनली प्रोसीड पे क्लिक करना है। और ये आपको एक नए डायलॉग बॉक्स पे ले जाएगा, जिसमें कि आपको दिखाई देगा कि आपका रजिस्ट्रेशन फाइनली कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद ये आपको एक नया यूज़र नेम और पासवर्ड देगा, जो कि आप आपके फर्दर लॉगिन पे यूज़ करेंगे। ओके, इसको क्लोज कर दे ही आपको इस तरह की कुछ स्क्रीन दिखेगी, जहाँ पे आपको डिजिटल मीडिया या तो किसी भी एक डायलॉग बॉक्स पे क्लिक करके फिर उस पर ओके कर देना है। और उसके बाद आपको माय कोर्स पे क्लिक करना है, जहाँ पे आपको माय कोर्स में जाना है, जहाँ पे कि आपको एक नया पेज खुलेगा और आपको अपने आपके बुक्स और वीडियोस दिखेंगे, जो कि कुछ इस तरह के दिखेंगे। यहाँ पे आपको बहुत तरीके की बुक्स दी हुई हैं और फिर वीडियोस दिए हुए हैं। और अगर आपको इनको डाउनलोड करना है तो सिंपली आप किसी भी एक को सिलेक्ट करें, उस पर क्लिक करें। उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक टू डाउनलोड पे क्लिक करिए, जहाँ पे कि आपको चार स्टेप्स दिखेंगे। उसमें से फर्स्ट स्टेप है गॉट एन अडोबी डिजिटल एडिशन वर्जन, तो क्लिक हियर पे क्लिक करें। और आप जैसे ही वहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको वो आपके लिए डाउनलोड हो जाएगा। ये हार्डली 10 MBPS का होता है। जैसे ही ये डाउनलोड हो जाता है, आप उस फोल्डर में जाए जहाँ पे ये डाउनलोड हुआ पड़ा है। और वहाँ पे जाके आप सिंपली उस पर डबल क्लिक करें और उसको इंस्टॉल कर ले। ये कुछ इस तरह से इंस्टॉल होगा। और उसके बाद हम आते हैं हमारे सेकंड स्टेप पे, जहाँ पे कि आपको गॉट एन अडोबी आईडी पे क्लिक करना है। उसके बाद वो आपको एक नए पेज पे लेके जाएगा, जहाँ पे आपको अपनी अडोबी आईडी बनानी है। ओके, तो यहाँ पे आपको वही ईमेल एड्रेस यूज़ करना है जो आपका रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस है। उसके बाद हम हमारे थर्ड स्टेप पे आ जाते हैं, जहाँ के हमको डाउनलोड करनी है .acsm फाइल। उस पर क्लिक करें तो वो भी डाउनलोड हो जाएगी, जो कि हमारी बुक है।
जैसे वो डाउनलोड होती है आप उस पर डबल क्लिक करके उसको ओपन करके देख सकते हैं। वो कुछ फिर इस तरह की दिखेगी आपको आपके अडोबी सॉफ्टवेयर में। और ये सारी बुक आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं और उनको रीड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग गाइस।